वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। जी हाँ, यही एक फंडा है जिसपे हमारी कंट्री बिलीव करती है। हिंदुस्तान, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कभी किसी पे पहले अटैक नहीं किया। इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन पीस, चाहे वो हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट हो या नॉट टू अटैक एनीबॉडी फर्स्ट हो। इंडिया नेवर अटैक फर्स्ट। हम सभी जानते हैं कि दैट वी आर न्यूक्लियर इम्पावर्ड, लेकिन फर्ज कीजिए अगर इंडिया पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है जिसमें हमारे सारे न्यूक्लियर एसेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियर एम्पावरमेंट का क्या फायदा? इसीलिए हमारे जितने भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दुनिया के, वो हमेशा एक बैकअप न्यूक्लियर प्लान लेके चलते हैं जिसमें न्यूक्लियर ट्रायड इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अ कंट्री फ्रॉम ऑल द वे, चाहे वो ओशन हो, लैंड हो या एयर हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। चलिए बात करते हैं कि लैंड से न्यूक्लियर डिलीवरी में इंडिया कितना पावरफुल है। इंडिया का लैंड बेस्ड अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स आर सुपर पावरफुल, जो कि हम जानते हैं। उसके अलावा सुखोई एंड राफेल आर वेरी मच कैपेबल। दे आर वेरी मच कैपेबल टू मेक इंडियन लैंड एंड एयर सुपर सेफ। नाउ INS अरिहंत इज लोडेड विद सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, नेमली K-15 एंड K-4। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स कितने कैपेबल हैं, ये बताने की जरूरत हमें नहीं है। दोस्तों, आज के डेट में इंडिया के साथ साथ चाइना, US, रशिया, फ्रांस, इजराइल, ये सिर्फ इतने कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर ट्रायड इनेबल हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।